जिसको हम खाते हैं, जिसका जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मूत पीते हैं, हमारी उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं उस बंदे के साथ मैं कैसे बैठ के खाना खाऊं जिसका हम दूध पीते हैं वो मूत पीते हैं, उसके साथ हम कैसे बात करें? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है, कुछ भी क्या हमारे पाकिस्तान में किस रिलीजन को टारगेट किया गया था और किसको मना किया जाता कि यहाँ पे आप ये ना करें? रुक तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरी रुका। आपको पता है आज से 2 साल पहले देयर वाज अ मंदिर इन रहीम यार खान जिसको इस वजह से तोड़ दिया गया था क्योंकि एक हिंदू 6 साल बच्चा जो था वो किसी लड़ाई की वजह से उसने मस्जिद के सामने पेशाब किया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंदिर वहां की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिस इज नॉट अबाउट द होल कंट्री, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म। मैं आपको खुलेआम बता दूं। अच्छा, ये चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे ये मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपने बात की कि यहाँ पर खुलेआम कत्ल नहीं किया जाता, पिछले साल 2022 के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, मार्च 2022 को एक शादी हो रही थी, वहां पर एक बाबा जी स्टॉल लगाकर खड़े थे, लड़ाई हुई और वो लड़ाई के अंदर वो बाबा जी मर गए, वहां वो लाश पड़ी हुई थी। मेरी मामा की बरसी होती है उस दिन, मैंने वो वीडियो देखी थी, मैं मार्केट में उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने वो वीडियो वहां देखी थी, मैंने रोते हुए वो रिकॉर्डिंग की थी, आई हैव द वीडियो। मुझे वहां पर रोना आ गया था कि लोग वहां पर उस मरे हुए इंसान को बैठा, वो वहां पर उसकी लाश पड़ी थी, वो खाना खा रहे थे, आखिर ऐसा क्यों? फिर मुसलमानों को क्यों मना किया जाता कि आप नमाज नहीं खुलेआम पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते? Meanwhile, Muslims in India. तो क्या हाल है, आज हम पाकिस्तानियों का देखने वाले रिएक्शन, उनकी क्या सोच है इंडिया को लेकर, इंडिया के लोगों को लेकर, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, हमारे ये मसले हैं, ये हमारे अपने मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का सरेआम कत्ल नहीं होता। ये तो साफ झूठ बोल रहे हैं। इंडिया में आप देखें मुसलमानों का सरेआम कत्ल हो रहा है, गुजरात में देखें उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, एक कातिल है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या, हमारे अपने मसले हैं, ठीक है, इन मसलों को हम खुद हल करेंगे। हमारी दुनिया की नंबर वन ISI, उसके मुकाबले में क्या है इंडिया के पास, मुझे ये बताएं। अच्छा, यहाँ पर सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। When we talk about the international relations and when we talk about our international image, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमारा इमेज जो है इंटरनेशनली बहुत अच्छा है, आप देखिए सऊदीया के साथ, कतर के साथ, अमेरिका के साथ, अमेरिका हमारे बारे में कहता है, ठीक है। अब इंडिया के जहाँ पे टोनी ट्रंप गया था, उसने कहा था अच्छा, पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त अच्छा। है, तो आप और क्या चाहिए? अच्छा, किसके साथ हमारे तलक खराब है? इज़राइल के साथ हमारे तलक नहीं ठीक, कभी भी नहीं। इज़राइल की तो हम बात ही नहीं ना, इंडिया के साथ हमारे तलक कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इज़राइल को जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम खाते जिसका जिसका हम दूध पीते हैं वो उसका मूत पीते हैं, हमारे उनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है, हमारे उनके ज़हन कैसे मिल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट में आपसे पूछना पड़ा, देख रही हूं उनकी है ही नहीं ना कि हमारे ज़हन मिले, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, हमारी जो है ग्रोथ अलग है, हमारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्म्स एंड जो हमारे कंडीशंस है वो डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं। आपने इंडिया को देखा? नहीं। मैं इंडिया गया हूँ, तो क्या क्या, देखा क्या है? मुल्क है, क्या मुल्क है? नहीं तो आपने क्या नहीं क्या देखा? मैंने देखा है कि जहाँ पे गाय आ जाती है उसको प्रणाम करते हमारी संस्कृति है, ठीक है, उसको कोई रास्ते से हटाता नहीं है। आप सनातन धर्म के बारे में तुम क्या जानो? आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू कि अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो दुनिया में कितने रिलीजन है? अगर हम लोग किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डू यू एक्सपेक्ट के लोग हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे? जब मुसलमानों ने और इस्लाम ने ये कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हमारे अपने पाक पैगंबर नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठकर खाना खा लेते थे, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर लेते थे, तो व्हाई नॉट अस? हम लोगों में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? पहले ये बताएं कि हमारे पैगंबर ने किस गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाया? आपको नहीं पता कि जो एक औरत थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, शी वाज नॉन मुस्लिम। हाँ जी,
वो मुस्लिम, बाद में वो मुस्लिम होगी। लेकिन यही चीज तो उसको मुस्लिम बनाया था। शी वाज सो हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो मच गुड इन हिज कंडक्ट। उन्होंने अपना कंडक्ट इतना अच्छा शो कराया कि जब जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका वो उनके घर जाके सफाई करके आए। ठीक है, ये कंडक्ट जो था दैट मेड हर मुस्लिम। ठीक है, अगर हम लोग अपना कंडक्ट ही अच्छा नहीं करेंगे देन व्हाट वुड गिव अ गुड इमेज। देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि हमारे तल्लकात हम किसकी जो है किसके रिलीजन को हम बुरा भला कहते हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि हमारे तल्लकात कुछ देर पहले क्या कह रहे थे आप मुझे। आपकी तरफ से खुद कहा गया कि मैं इंडिया गया और वहाँ पर वो लोग गाय को प्रणाम करते थे। व्हाट इज दिस? तो अगर हम लोग खुद ही अपनी किसी की सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। एक मिनट, उस बंदे के साथ मैं कैसे बैठ के खाना खाऊं जिसका हम दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं, उसके साथ आप करेंगे? आपके मिल जाएगा जस्ट वन मिनट। सॉरी मैं आपका नाम भूल गई सर। शाहिद राज। शाहिद सर आपको देख रहे हैं, बताइएगा कि अगर हम लोग अपनी पाकिस्तान की बात करें तो वी आर हैविंग माइनॉरिटीज हियर। ठीक है, और पाकिस्तान भी इसीलिए जो है एक अलग मुमलिकत का मुतालबा किया था क्योंकि उस पाकिस्तान को बड़े सगीर के अंदर आजादी से दीन की प्रैक्टिस नहीं की जाने देती थी। और उसके बाद जब कायद आजम ने ये कहा था, आपने खुद भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें कायद आजम ने ये कहा था कि हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि हमें अंग्रेजों से दुश्मनी है या हिंदुओं से दुश्मनी है, हम इसलिए पाकिस्तान अलग चाहते हैं क्योंकि हम लोग इस्लाम की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस्लाम के दीन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो आपको नहीं लगता कि हम लोग भी माइनॉरिटीज को उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह बरेसगीर में हमें देखा जाता है? देखें ये बात कहीं नहीं लिखी हो कि कायदे आजम ने कहा था कि ना हमें गोरों से खतरा है ना हमें हिंदुओं से खतरा है। ठीक है, बेसिकली हमें इन दोनों से ही खतरा था, इसलिए कायदे आजम ने और हमें एक बात इसलिए इस बेस पे हमने ये मुल्क अलहदा किया। हमें आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किस रिलीजन को टारगेट किया गया था और किसको मना किया जाता कि यहाँ पे आप ये हिंदू है पाकिस्तान में हिंदू है पहले से 14% अब कितने बचे 1% उनको कभी मना किया कि आप प्रार्थना ना करो आप कुछ ना करो मंदिर टूटा था यार गणेश मंदिर एक दो साल पहले की बात है। मेरा ये भी सवाल है कि इंडिया में मुसलमानों को क्यों मना किया जाता है कि आप नमाज नहीं खुलेआम पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर शाहिद सर आई वुड डेफिनेटली आस्क वन क्वेश्चन। आपको पता है आज से 2 साल पहले देयर वाज अ मंदिर इन रहीम यार खान जिसको इस वजह से तोड़ दिया गया था क्योंकि हिंदू 6 साल का बच्चा जो था वो किसी लड़ाई की वजह से उसने मस्जिद के सामने पेशाब किया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंदिर वहां की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। नॉट अबाउट द होल कंट्री, दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म। आपको ये तो नजर आ गया, आपको बाबरी मस्जिद नजर नहीं आई? बिल्कुल यही बात है, वो नजर नहीं आई जिसके ऊपर मुसलमानों को कत्ल किया गया और वहाँ पे गिरा के वो राम ऑलरेडी वेरी गुड पॉइंट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग आबादियों की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो फिर हम लोग इस चीज को कैसे जस्टिफाई करें? देयर आर सम कम्युनिटीज जो कि एक्सट्रीमली रिएक्ट करती है किसी भी चीज पे। आपने बात की कि यहाँ पर खुलेआम कत्ल नहीं किया जाता। पिछले साल 2022 के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, मार्च 2022 को एक शादी हो रही थी, वहां पर एक बाबा जी स्टॉल लगाकर खड़े थे, लड़ाई हुई और वो लड़ाई के अंदर वो बाबा जी मर गए। वहां वो लाश पड़ी हुई थी, मेरी मामा की बरसी होती है उस दिन, मैंने वो वीडियो देखी थी, मैं मार्केट में उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने वो वीडियो वहां देखी थी, मैंने रोते हुए वो रिकॉर्डिंग की थी, आई हैव द वीडियो। मुझे वहां पर रोना आ गया था कि लोग वहां पर उस मरे हुए इंसान को बैठा, वो वहां पर उसकी लाश पड़ी थी और वो खाना खा रहे थे, आखिर ऐसा क्यों? फिर आप देखें, अब मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे हमारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और मैं यहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर देता हूँ, उसमें से एक आध बंदा मर जाता है, गिर जाता है, अब जो बाकी लोग हो गए वो उसको आगे तो नहीं उठाएंगे, वो अपनी जान बचाएंगे भागने के लिए। अच्छा, तो खाना खाएंगे? जब वो भाग जाएंगे नहीं, तो खाना खाएंगे? जो लोग जो बैठे हैं वो तो खाएंगे, ऐसा होता है? ये क्या बात है भाई, जो लोग You are saying कि लड़ाई हो जाती है, बंदा मर जाता है, तो जो लोग बैठे वो खाना खाएंगे? देखिए नहीं, वो गलत है, खाना खा रहे हैं, वैसे लोग अपनी जान बचाएंगे भागेंगे इधर उधर, ठीक है, वो ठीक है, वो चीज मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पे मरा पड़ा है तो वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं तो ये तो आपने नहीं सुनी है बात, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इंडिया के अंदर रिसेंटली श्रद्धा और आफ्ताब का सिनेरियो आपने सुना होगा, ठीक है, उसने श्रद्धा ने जब उसको कहा दे वर इन रिलेशनशिप और समथिंग, और उसके बाद श्रद्धा ने कहा कि हम शादी करते हैं, तो उसने उसको मार दिया। ये सारी वीडियोस भी हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है, ये सारी हम लोग सिर्फ फेवर में बात नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरेबिया एज ए मुस्लिम कंट्री, ठीक है, आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल।
आपको पता है कि सऊदी अरब ने इंडियंस को ये कहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ये कहा है कि इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड विद अ पीसीसी एनीमोर, विच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड विद इट एनीमोर, इफ दे वांट टू ट्रैवल दे कैन। तो अब इस बारे में आप क्या कहते हैं, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हाई ओनली अस? मुझे आप ये बताएं, आप इंडिया के बारे में प्रूफ क्या करना चाहती हैं? आप मेरे मुंह से क्या गुलवाना चाहती हैं कि जो मैं इंडिया के बारे में कुछ कहूं? मैं आपसे कुछ नहीं, मैं आपको बता, मैं आपको बताता हूं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन ये पाकिस्तान के जूतों के नीचे है। अच्छा चले, यहाँ पर एक बात मैं आपको पूछूंगी, पाकिस्तान के जूतों के नीचे रहेगा इंडिया? ठीक है, दिमागों से दिमाग लगाना बेकार है उनके पास। हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रांग है, दुनिया में नंबर वन। अच्छा ठीक है, और हमें कुछ किसी का कोई डर नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, हमारी रही है ठीक है, क्या साबित क्या करना चाह रही है? क्या करना चाह रही है? सैनिकों ने सरेंडर किया था। वेरी रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से कि जो एग्रेशन हम लोगों में आता है जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, ये क्यों है? जस्ट लास्ट क्वेश्चन, किस बारे में? जब हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की है, आपके अंदर जो एग्रेशन था वो क्यों था? एग्रेशन उनकी सोच देख के, पहले अपनी सोच देखिए सर, अपनी सोच देखिए, क्या सोच है जो मुसलमानों के खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ, मैं तो उसके बारे में यही कहूंगा, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो। अच्छा मुझे ये बताया, चले ठीक है मैं मान लेती हूँ, तो फिर पाकिस्तान की जो अहम कयादत है, जैसे इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। एक बात बताता हूँ, आपके दादा को किसी ने पहले मार दिया 50 साल पहले, अब उनके बच्चे हैं, आप उनके साथ बैठना उठना शुरू कर देंगे? आपके दादी दादा को, आपके वालिद को, आपकी माँ को धक्के मार के निकाल दिया हो, आप उनके साथ बैठना, आप उनके बारे में, मैं आपको कहूँ जी और फलाना बंदा कैसा है जी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या जवाब आएगा? अच्छा नहीं, यहाँ पर ये एग्जांपल छोड़े, अब मैं आपको आपको वैलिड पॉइंट्स बताती हूँ। इमरान खान साहब ने आज से 25 मई को एक जलसा किया था लाहौर हॉकी स्टेडियम में। हाँ जी, रिमेम्बर, उसमें हम भी थे। उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो प्ले की थी, रिमेम्बर? हाँ जी, वो वीडियो किसकी थी? किसकी? एस जय शंकर की, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा था, यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंड सेट, के यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। मैम आप जो मुझसे सुनना चाह रही हैं, मैं आपसे सर, नहीं, अगर मैं आपसे, अगर मैं इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, नहीं, ठीक है, और इंडिया के बारे में आई हैव नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे शायद सर से हमने बात की, उनका ओपिनियन जाना, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, एंड यार देख सकते हैं, मतलब कुछ पाकिस्तानी भाई ऐसे होते हैं ना यार, मतलब जिनकी सोच बता नहीं सकते यार, मतलब देख रहे थे कैसे कैसी बातें कर रहे थे। खैर हाँ, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं और वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।